दोस्तों 38 मिलक विधानसभा से समाजवादी के प्रत्याशी विजय सिंह के लिए आसान नहीं है विधानसभा तक पहुंचना, क्योंकि पूरी विधानसभा में 80,000 मुस्लिम मतदाता हैं और 25,000 यादव, 82,000 जाटव। ऐसे में सपा का वोट बैंक केवल मुस्लिम रह जाता है, जबकि यादव दो खेमों में पोकेमोन बटा हुआ है और दलित वोट समाजवादी के चेहरे विजय सिंह के साथ आने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे में अपनी जीत के आंकड़े सुनिश्चित कर पाएंगे विजय सिंह? क्या नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गलत चुना गया है? और अगर ज़्यादातर ग्रामों की बात की जाए तो वोटर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह के विरोध में खड़े हैं और पार्टी के आला कमान से ये मांग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बदलें विधानसभा 38 मिलक शाहबाद से। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। आज उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर तहसील सबाद के विधानसभा 38 मिलक एक गांव में मैं सर्वे के लिए आया हूं और यहां इन लोगों से जानेंगे ये किसकी सरकार चाहते हैं और विधानसभा 38 मिलक से किसका टिकट होना चाहिए और कौन इनका प्रत्याशी होना चाहिए, ये किसका किस प्रत्याशी को अपना पसंदीदा प्रत्याशी मानते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो या BJP पार्टी से हो, जिसका भी हो, इन लोगों से हम जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र है। किसकी सरकार देना चाहते हो? सरकार बने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, BSP, किसकी सरकार बने? समाजवादी बन जाए। समाजवादी की सरकार चाहते हैं और विधानसभा 38 मिलक से अगर विधायक की बात करी जाए तो सुनने में ये आ रहा है विजय सिंह का टिकट होने वाला है या विजय सिंह का टिकट हो सकता है, तो आप किसे विजय सिंह को वोट देंगे? आप वोट हमारे आई ना पहले से तो देंगे वोट? वोट नहीं है आपका? वोट तो है। तो फिर आप किसे वोट देना चाहते हैं? वोट को लेकर के आवाज हुई तो आगे दिन वोट जैसे विजय सिंह का टिकट हो जाए, अगर विजय सिंह का टिकट होने की आ रही है, आप विजय सिंह को टिकट वोट दोगे? हम तो फुल वाली दे देंगे, हम विजय सिंह फुल वाली पार्टी दे देंगे। फुल वाली पार्टी को दोगे? और दे देंगे विजय सिंह से भेज देते। क्यों, विजय सिंह में ऐसी क्या कमी है? विजय का देखो ही ना, कहूँ देखा नहीं है। हाँ आओ ना, कहूँ हमारा काम भी ना आता है। तो आप BJP को वोट दे दोगे अगर? और आपका क्या नाम है भाई साहब? रंजीत सिंह यादव। विधानसभा 38 मिलक जो इस बार इलेक्शन होने वाला 2022 का, तो आप किस पार्टी का विधायक देखना चाहेंगे? विधायक समाजवादी का। समाजवादी पार्टी से सुनने में ये आ रहा है विजय सिंह का टिकट होने वाला है और हो भी सकता है, लोग मिठाइयां भी बांट रहा है क्योंकि हमने भी देखा। विजय सिंह की छवि बहुत खराब है। विजय सिंह ने पहले भी हमारे यहाँ आए और कुछ काम न करे, दंगा फसाद के ही काम करे। वो तो ये कहते हैं, हमने जब 2017 में सरकार रही थी हमारी, झगड़े करने के काम विजय सिंह के रहे ज्यादातर। वो तो कहते हैं हमने बहुत विकास कराया विजय सिंह ने। नहीं, कहने को आदमी हर एक पार्टी का आदमी कहता है कि मैंने अपना काम किया, हर एक पार्टी का काम यही कहता है, लेकिन विजय सिंह की छवि खराब है। और अगर जैसे विजय सिंह को अगर टिकट होता है तो जितना भी यादव समाज है या हिंदू समाज है वो कुल मिला के BJP पे टूट जाएगा। BJP को दोगे आप अगर विजय सिंह का टिकट होता है? होता तो टिकट के चांस सभी की ये बात है, टिकट के ज्यादातर चांस तो यही है क्या कहें, विजय सिंह को टिकट होगा क्योंकि तो पार्टी की हाई कमान ये चाहती है क्योंकि विजय सिंह का टिकट किया जाए। तो पार्टी खुद सोचेगी कैसे किया जाए, कैसे न किया जाए, लेकिन कुल मिला के ये जो सर्वे है विजय सिंह की छवि खराब है। विजय सिंह के अलावा किसी दूसरे को हो जाए तो वोट ज्यादा तादाद में। आप यादव परिवार से आते हैं? यादव परिवार से, सभी यादव हैं यहाँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब यादव बजा देता है। ये जरा कैमरा घुमा दियो, सभी यादव, ये सब जितने भी लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, ये सारे सब जितने भी हैं सब यादव हैं। यादव है, बाबू को ना हो, विजय को टिकट है तो कोई वोट ना दे यहाँ, और राज मालव को ना दे, राय को टिकट मिल जाए, राय को वोट देंगे हम। और अगर विजय को टिकट होता है तो वोट देंगे इनाम साहिब को। तो आप सब BJP को? हाँ सब। आप यहाँ देख सकते हैं, इन लोगों का कहना है ये सब यादव परिवार से बिलोंग करते हैं, जिस परिवार से अखिलेश यादव है, ये सब वो ही लोग हैं यादव परिवार के। इनका ये कहना है अगर समाजवादी पार्टी नया चेहरा नहीं लाती है, किसी भी नए चेहरे को, जो भी चेहरे हैं, जो और लोग टिकट की लाइन में लगे हुए हैं विधानसभा 38 मिलक से समाजवादी पार्टी से, तो अगर समाजवादी पार्टी विजय सिंह को टिकट देती है तो हम अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे या फिर अपना वोट नोटा को डालेंगे, लेकिन विजय सिंह को अपना वोट नहीं देंगे क्योंकि ये लोग इतने नाराज हैं, राजवाला से भी बहुत नाराज हैं, विजय सिंह से भी बहुत नाराज थे, तो उन्होंने इस गांव में आकर पलट के भी नहीं देखा, ना इन्होंने कोई विकास किया। फुल बहुमत की सरकार थी उस टाइम पर इनकी, तो अभी इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए विजय सिंह से बहुत नाराज हैं और उन्हें वोट नहीं देने जाते हैं, इसलिए हम और लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? अरे मेरा नाम नारायण सिंह है। नारायण सिंह है। विधानसभा 38 मिलक से आप समाजवादी पार्टी से किसे प्रत्याशी देखना चाहते हैं? नए आदमी। टिकट तो विजय सिंह का लगभग हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? फूल को देंगे फिर? हैं? फूल को देंगे फिर? फूल को वोट देंगे आप? आप भी यादव है और क्या, वो बुला रहा है, वो बैठे हैं, उनसे करो बात। जाओ, आ जाओ। तो और लोगों पे पहुंचते हैं हम, देखते हैं इनसे ये क्या कहते हैं। क्या नाम बताओ आपका? मेरा नाम सुमेरी है।
2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं 2022 के? अरे भैया यार, मैं तो अखिलेश को आदमी हूँ, मेरे जाना कोई बनो अखिलेश को। हाँ। और अगर टिकट की बात करी जाए विधानसभा 38 में लक्ष्य है, तो किसका टिकट देखना चाहते हैं आप समाजवादी से? तो यार हम तो अपने बराबर में देखेंगे, वो आदमी को दूर क्यों जाना है? अरे बराबर में वो जोड़ना पड़ता, विधायक कौन कौन है? विधायक राज इस टाइम जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ने राजवाला को टिकट दिया है। हाँ। समाजवादी पार्टी से अभी टिकट नहीं हुआ है, लेकिन उड़ते उड़ते खबर आ रही है विजय सिंह का टिकट हो सकता है। तो अगर समाजवादी पार्टी विजय सिंह को टिकट देगी तो आप की क्या राय है उसके बारे में? बता दो, हमारी राय तो ये है कि राजमाला को देंगे ना। ठीक है, और राय ठाड़े आ गए तो जो धोरे की बात है ना, तो मजबूर में उदानों बढ़ जाओ। क्या नाम बताओ आपका? मेरा नाम रामवीर है। रामवीर नाम है आपका। 2022 में जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो आप इसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार किसी की आज, जहां वोट हमें देना है वही देना है। किसे? अब ये हम तुम्हें कैसे बता दें कि साहब किसे का देंगे किसे ना देंगे, ये तो पूरे गांव की मत है। अच्छा, पूरा गांव जाएगा, गांव जाएगा आपका, आप वहीं जाएंगे? हां जाएंगे। बस बीएसपी पार्टी से लगभग सुरेंद्र सागर का टिकट होना है, कांग्रेस ने भी टिकट कर दिया, समाजवादी से उड़ते उड़ते ये खबर आ रही है कि जो विधानसभा 38 में लगे है उसमें विजय सिंह का टिकट होने वाला है। देखो साहब, मेरी बात वोट ना देंगे हमारे। अरे मेरी बात, अरे हम आज तक यही बात है, हमारे गांव में जो आता है वो टिकट लिया हमसे और कागज वोट डलवाया और अपने घर बैठ गए। हमारे गांव को कोई सुविधा नहीं मिली है। हम अपने जो भी वो करेंगे, हम तो जो हमारे सामने आएगा हम देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट हमारा सही है, हम तो आप उसे वोट देंगे। सरकार कोई सी में हो। अच्छा। हाँ। आपको हमारे कोई सुविधा नहीं, हमारे गांव को कोई सुविधा नहीं मिली है। जो आपको सरकार से, मतलब आपको जो फायदा पहुंचाएगा आपके गाँव, आप उसके साथ है? हाँ उसके साथ है, चाहे पार्टी कोई भी हो, कोई भी हो, लेकिन आपको अपने गांव से मतलब है, अपने लोगों से मतलब है, जो फायदा हमें क्योंकि हमें चलने के था, हमें ऊपर जब पहुंचने के था, हमें कोई विधायक सही चाहिए। अच्छा, पार्टी का कोई सी किसी भी पार्टी, जो आपके गांव को फायदा पहुंचाए आप उसे चाहते हो। आपका क्या नाम है? आपका नाम? हमारा नाम है लाला। विधानसभा 38 में लक्ष्य है, आप किसे विधायक देखना चाहेंगे? हम राधे श्याम को, विजय सिंह का। हमारे हम तो विजय सिंह को वोट देने का तो टिकट होना बहुत मुश्किल लग रहा है, विजय सिंह को वोट देने तैयार ना, राजमाला देने तैयार। तो आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, जब मतलब ये विजय सिंह ठाड़ होगा हम देंगे, क्यों? क्योंकि पार्टी आला कमान जो है विजय सिंह का टिकट करने के लिए तैयार है, तो हम मतलब वोट देने विजय सिंह को तैयार ना। आप वोट नहीं देंगे? ना। आपने देखा, मैंने इस गांव में काफ़ी लोग मौजूद थे, तो इनका कहने का मकसद यही है कि अगर समाजवादी पार्टी के आला कमान अगर विजय सिंह को टिकट देती है तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, या फिर हमारे गांव के जो जिम्मेदार लोग होंगे वो जिसे चाहेंगे, वो सब लोग जो इकट्ठा होकर जो एक फैसला लेंगे, जो इनके गाँव का विकास करेगा, ये उसे वोट देंगे। इनके पूरे गाँव की एक मर्जी होगी, जिसे भी वो चाहेंगे गाँव के जिम्मेदार लोग वो उसे ही जाएंगे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो या वो बीएसपी पार्टी से हो या वो कांग्रेस पार्टी से हो या वो समाजवादी पार्टी से। पूरे गांव का एक फैसला एक आदमी का, जो इनके गांव को देखेगा वो उसे देखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। विधानसभा 2022 का चुनाव होने वाला है, 14 फरवरी को अपने यहां वोट पड़ेंगे, तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? आपके दद्दा की सरकार देखना चाह रहे हैं। दद्दा कौन? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव। और अगर बात करी जाए विधानसभा 38 में लक्ष्य है, तो समाजवादी पार्टी ने लगभग टिकट घोषित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने राजवाला को टिकट दे दिया है, बीएसपी से सुरेंद्र सागर आ सकते हैं, कांग्रेस से भी टिकट लगभग हो ही चुका है, उसका भी ऐलान होने रह गया है, लगभग मानो समाजवादी पार्टी ने विजय सिंह का भी टिकट कर ही दिया है, लेकिन घोषणा होनी बाकी रह गई है। तो आप किसे विधायक देखना चाहेंगे अपने यहाँ? हम तो ये चाह रहा है नया चेहरा आया तो कोई और हमारी सुनवाई होती, कोई अब कोई मत जाते कोई काम था तो हमारे तो कोई सुनती ना, और दो मुग्गा और ठाड़े होते उनके गेट पे, ना भीतर जान दे ना बाहर। कौन सी पार्टी से नया चेहरा देखना चाहते हो आप भैया? कोई सी पार्टी आया अयोध्या सरकार बन जाए, मैं तो जो मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार। तो अगर जैसे विजय सिंह को समाजवादी ने टिकट कर दिया, फिर क्या कहोगे भैया? यार हमारे गांव के पहले बड़े बूढ़े गए तो उनकी सुनवाई ना भाई विजय सिंह के धोरे, तो जो चाह रहा है आपका कोई नई सरकार नए विधायक बन जाते तो और अच्छी रहती है। और अगर समाजवादी पार्टी ने तो मुलायम सिंह यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, तुम उनकी सरकार देखना चाहते हो, और समाजवादी पार्टी विजय सिंह को टिकट दे देती है, तो आप क्या करेंगे? लाड़ फटी डंडा आए तो भैया दो जाओ वोट तो दो जाओ, ना तो रहेंगे कहाँ रहेंगे यार, मजबूरी के नाम पर वोट। मजबूरी मजबूरी है, आप अपने ऊपर नेता जो देखना चाहते हो मुलायम सिंह यादव को देखना चाह रहा भैया आपका। लेकिन दिल से अगर बात की जाए तो दिल से वोट नहीं दोगे आप क्या? मतलब
ऐसा है देखो, ये तो अब जैसे अगर जैसे ये नहीं विधायक चेंज नहीं हो रहे तो वोट तो देना ही है अखिलेश को भाई, और नहीं तो कहाँ देंगे वोट, हमारी कोई गिनती नहीं आएगी। आप सब यहाँ देते मोदी को वोट, इनके जामे वोट देते हैं तो हमारी तो कहीं गिनती आती नहीं है। तुम अभी चले जाओ ब्राह्मण ठाकुर बनियो पंडित, इन ही लोगों की गिनती होती है यादवों की, तो कहीं गिनती आज तक हमने सुनी नहीं है। तुम साहब सरकारी कर्मचारी देख लो, सरकारी नौकर देख लो, सब अभी जहन्नुम में घुसे पड़े हैं सर, जितने भी याद बन के वो है, और जब वैसी जाती है उनके सब अभी ऊपर लगे पड़े हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं याद बन की गिनती है या कम, याद बन को वोट देना चाह रहे हैं। अच्छा, आप विजय सिंह को वोट सिर्फ दिल से नहीं दोगे लेकिन अपने ऊपर का नेता बनाने के लिए विजय सिंह को वोट दे सकते हो, मजबूरी में देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन दिल जो है विजय सिंह पे मुतमईन नहीं है आपका, किस लिए है भैया? पीछे अभी हमारे गांव में कुछ आदमी गए थे तो विजय सिंह ने कोई ही सुनवाई ना करी हमारे गाँव की। अच्छा, अब ये चाह रहा है अगर हो सकता है नए कोई अगर चेहरा आ जाए तो वो सुनवाई करे तो और अच्छी बात है। विधायक थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब तो आपके गाँव में कुछ ना कुछ कराया, ना कोई कुछ ना कराया, ना भाई साहब हमारी कोई बात रखी, ना उनने कोई बात पूछी हमारी, कोई काम नहीं कराया। अब जैसे अब वो विधायक नहीं थे तो गांव में आए होंगे आपके? ना भाई साहब बिल्कुल ना आए, गांव में भी नहीं आते हैं। गांव तो गांव ना, ये भी ना पता होगा मड़ी जाओ किधर है, ये भी ना पता होगा। ऐसे ऐसे आदमी है वो, कहने कह देते भैया जब तक जीतता नहीं है आदमी जब तक रहता है, और जीतने के बाद में सब आदमी भूल जाता है हर किसी की बात है। आदमी ऐसा होना चाहिए मतलब जीतने पे भी मतलब देखना चाहिए और हार के भी देखना चाहिए, उन्हें यार कितना, अब चलो अब इस बार हार गए तो आगे को देखना तो चाहिए यार, हमें वोट लेना है आगे को तो वो बनानी चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आपने देखा, लेकिन ये सरकार में मुलायम सिंह यादव को देखना चाहते हैं भाई साहब ये हमारे, लेकिन क्या करा जाए, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव को सरकार में देखने आते दिल इनका जो है विजय सिंह पे मुतमईन नहीं है उसे वोट, लेकिन मजबूरी जो है इन्हें देनी पड़ी, क्योंकि ये बता रहा है इनके गांव के लोग भी जाते हैं, उन्होंने किसी को कोई सुनते नहीं है, कोई चाहते नहीं है वो।